तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक दोस्तों कि अगर आप अपने गैलरी से कोई भी फ़ोटो को हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं कि अगर आपके मोबाइल को कोई भी देखेगा ही तो उसको वो फ़ोटो शो नहीं हो। अगर आप अपने मोबाइल में अपनी गैलरी में ही किसी भी फ़ोटो को वीडियो को अगर हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं तो कैसे हाइड कर सकते हैं, कैसे छुपा सकते हैं, तो वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपको जो है किसी भी फ़ोटो को जो है गैलरी से हाइड करना है, छुपाना है, इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल की गैलरी में चले जाना है। तो मैं मोबाइल की गैलरी में यहाँ पर चला जाता हूँ। मोबाइल की गैलरी में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने किसी भी फ़ोटो को हाइड करना है, छुपाना है, इसके लिए आपको क्या करना है गाइस? आपको जिस फ़ोटो को हाइड करना है उसको आपको यहाँ पर देख लेना है। अगर मैं इस फ़ोटो को हाइड करना चाहता हूँ, माना कि मैं इस फ़ोटो को हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ और लॉन्ग प्रेस करने के बाद थ्री डॉट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हाइड का ऑप्शन दिखाया जाता है। तो मेरा ये फ़ोटो जो है हाइड हो चुका है गाइस। यहाँ पर पहले जो फ़ोटो दिखाया जा रहा था वो फ़ोटो हाइड हो चुका है। अब रही बात उस फ़ोटो को मैं वापस कैसे देख सकता हूँ, तो जो हाइड हुआ फ़ोटो है उसको वापस देखना है, तो उस फ़ोटो को वापस कैसे देखेंगे, उस फ़ोटो को वापस कैसे देख सकते हैं? तो उस फ़ोटो को देखने के लिए आपको क्या करना है गाइस कि यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं आता है कि हाइड फ़ोटो को आप देख सकते हैं। मैं थ्री डॉट पर क्लिक कर देता हूँ और सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई देता है कि जिसके ज़रिए जो है हाइड फ़ोटो को मैं देख सकता हूँ। इसके बाद जो है मैं यहाँ से फिर से इधर जाता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे हाइड वाला ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाया जाता है। अब रही बात हाइड हुआ फ़ोटो को मैं कैसे देखूँगा, तो हाइड हुए फ़ोटो को देखने के लिए आपको क्या करना है कि आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाया जाएगा हिडन कलेक्शन, रिसेंटली डिलीटेड के नीचे हिडन कलेक्शन का ऑप्शन दिखाया जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी फ़ोटो को हाइड करा था, छुपाया था, वो फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है कुछ इस तरह से। अब रही बात अगर आपने कई फ़ोटो को हाइड कर रखा है और उनको अगर आप जो है वापस जो है अगर अनहाइड करना चाहते हैं, वापस जो है गैलरी में लाना चाहते हैं, तो कैसे अनहाइड करेंगे? तो उसके लिए आपको फिर से लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर तो कोई थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाया नहीं जा रहा है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई जा रहे हैं शेयर और डिलीट का, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन न्यू और आता है आई आई का आइकन आपको दिखाया जा रहा है जो राइट साइड में, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करा, इस पर क्लिक करने के बाद ये फ़ोटो जो है अनहाइड हो जाएगा और ये जहाँ से आ रहा था वहीं वापस आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी गैलरी में किसी भी फ़ोटो को, किसी भी वीडियो को हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।